अगर मन में जुनून हो और कुछ करने की जिद हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है सीहोर के छोटे से गांव रामाखेड़ी के सरकारी प्राथमिक स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा इशिता ने संस्कृत भवन भोपाल में राष्ट्रीय स्तरीय अंग्रेजी ओलंपियाड वर्ड पावर चैंपियनशिप के चयन के लिए प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन 19 अप्रैल को किया गया था, जिसमें प्रदेश स्तर के लिए चयनित 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सीहोर इशिता गहलोत ने प्रदेश में द्वितीय प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तरीय अंग्रेजी ओलंपियाड वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में चयनित होने पर इशिता गहलोत को 28 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट भायंदर मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। वहीं इशिता और उसका परिवार इस उपलब्धि पर काफी खुश है और इशिता आगे भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है। उधर इशिता की इस उपलब्धि पर सीहोर जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बधाई दी है और साथ ही अन्य छात्रों से अपील की वह भी इशिता की तरह आगे आए ताकि उन्हें भी इशिता की तरह उपलब्धि हासिल कर सकें। इधर इशिता स्कूल की टीचर और जिला शिक्षा केंद्र अधिकारी आरआर उइके भी इस उपलब्धि पर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको प्रथम स्थान आया जिले में और प्रदेश में चौथे नंबर, कितने की खुशी का अनुभव होता है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस तरह की मेहनत की थी आपने इसको लेकर? मैंने इसको लेकर बहुत मेहनत की थी। क्या क्या किया मेहनत में? मैंने इसके लिए बहुत पढ़ाई की थी। आज अच्छा मिल रहा लग रहा आपको? घर वालों का सपोर्ट मिलता था आपको? हाँ। अच्छा, अब क्या करना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी कब जा रही हैं आप? दिल्ली जा रही हैं? बॉम्बे कहाँ जा रही हैं? मुंबई। ये कहेंगी वहाँ जाकर? मैं सेकंड आई इसलिए मैं ऑडियंस में बैठूंगी और अगले साल में और प्रयास करूंगी कि मैं फर्स्ट आऊँ। वहीं से हमारी बच्ची इशिता गहलोत कक्षा 3 की छात्रा है और इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है WPCM में और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सरकारी स्कूल की छात्रा होते हुए भी ये इतने अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें और आगे बहुत ही हमारी तरफ से भी प्रयास रहेगा कि वो और आगे जाएं और हम चाहते हैं कि सीहोर के और भी जो भी स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वहाँ से और भी ऐसी प्रतिभाएँ निकल कर आएँ और इससे सीहोर का देश का गौरव। सर, हमारी उपलब्धि शासकीय विद्यालयों में जैसी जिस प्रकार की धारणा है कि है ना सरकारी स्कूलों में है ना इस पढ़ाई नहीं होती, इसको है ना धारणा को तोड़ के हमारी बच्ची है ना एक राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। जो प्रतिभागी है ना हमारे प्रदेश स्तर के प्रतिभागियों से मुकाबला करके सेकंड स्तर में आई हैं और है ना राष्ट्रीय स्तर के है ना चैम्पियन में वो भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगी, जिसमें आज माननीय कलेक्टर साहब ने माननीय CEO साहब ने उनको सम्मानित किया है और शुभकामनाएं दी कि वो हमारे जिले का नाम रोशन करें। देखिए, ये निश्चित रूप से सीहोर जिले के लिए गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से निकलकर बच्ची जो है जो हमारा राज्य शिक्षा केंद्र ने ओलंपियाड किया था वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप, उसमें जो है टॉप 8 में उसने अपनी जगह बनाई है और इन सभी टॉप 8 को जो है मुंबई भेजा जा रहा है, वहाँ पर इनको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मान समारोह भी है और दोबारा इनके अंदर कॉम्पिटिशन भी होगा। तो ये सीहोर जिले के लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैंने बच्ची को शुभकामनाएं दी है और उम्मीद करते हैं कि बच्ची आगे जीत के आएगी। और सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि ये ओलंपियाड समय समय पर होते रहते हैं, मैथ्स का होता है, साइंस का होता है, इंग्लिश का होता है, तो सारे माँ बाप और बच्चे जो है उस बच्चे जो है उसमें रजिस्टर करें और माँ बाप थोड़ी सी उनकी तैयारी कराएं तो निश्चित रूप से सारे बच्चे वैसा कर सकते हैं। और ये बड़ा गौरव की बात है कि सीहोर जिले से एक बच्ची जो है इसीता इस अवार्ड को लेने के लिए मुंबई जा रही है। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।